हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम 24 मई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए करते हैं। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 मई को। और देखिए, ये 23 मई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 23 मई 1951 को चाइना ने 17 सूत्रीय एजेंडा जबरदस्ती तिब्बत पर ला दिया था, जिससे तिब्बत वाले इस दिन को ब्लैक डे या काला दिन के रूप में मनाते हैं। देखिए, तिब्बत के अभी नए राष्ट्रपति बने थे, उनका नाम है पेनपा सेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। और देखिए, ये टूर्नामेंट अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब बात हो रही श्रीलंका की, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं, प्रधानमंत्री महिंद्र राजपक्षे हैं, और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और कोलंबो है। और देखिए, श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ब्लैक फंगस ड्रग पोस्पोनजोल लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MSN लैब। और देखिए, ए MSN लैब हैदराबाद में है। और देखिए, ये ब्लैक फंगस उन मरीजों में ज़्यादा देखा जा रहा है जो कोरोना वायरस से अभी ठीक हुए हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है, इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे 1995 में लॉन्च किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर की स्पीड बहुत ही स्लो है, इसलिए जून 2022 में माइक्रोसॉफ्ट इसको बंद कर देगा। ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर का लोगो। और देखिए, 2004 में फायरफॉक्स आया था और 2008 में क्रोम आया था, जो कि बहुत पॉपुलर है अभी। क्रोम ब्राउजर एक गूगल द्वारा लाया गया था। अब बात हो रही माइक्रोसॉफ्ट की, तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी। मुख्यालय है वॉशिंगटन USA में है, और इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। और देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO सत्या नडेला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डार्विन आर्क का ऊपरी हिस्सा ढह गया है, यह किस द्वीप का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलापागोस द्वीप का। ये पहले ये इस तरीके का था और अब ये यहाँ से ये पूरा गिर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा, या इसको मनरेगा भी बोलते हैं, कार स्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय की उपस्थिति के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NMMS ऐप, या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा 7 सितंबर 2005 में लाया गया था। और देखिए, NMMS की फुल फॉर्म है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बाइडन ने सुंग किम को किस देश में विशेष राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। अब देखिए, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, उत्तर कोरिया की मुद्रा उत्तर कोरियाई वॉन है। तो देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है, जो कि 46वें नंबर के हैं। उत्तर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, जो कि 49वें नंबर की हैं। और अमेरिका के रक्षा मंत्री डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? लॉर्ड ऑस्टिन है। और अमेरिका के विदेश मंत्री, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, एंटोनियो ब्लिंकन है। और अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास कौन कौन से होते हैं? पहला युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प और बज प्रयार। और देखिए, अमेरिका ने अभी WHO से अलग होने की घोषणा की थी, और अमेरिका अभी ओपन स्काई ट्रेटी से भी अलग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिनेट माकोसो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो गणराज्य। ये हैं कॉलिनेट माकोसो। और देखिए,
कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राजाविल है और कांगो गणराज्य की मुद्रा सेंट्रल अफ्रीकन सीएएफ फ्रांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन ने गाजा की मानवीय जरूरतों के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22.50 मिलियन डॉलर। और देखिए, अभी हाल ही में पहले गाजा ने इजराइल पर रॉकेट वगैरह छोड़े थे, बाद में इजराइल ने गाजा पट्टी पर बमबारी की थी। इसमें जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए ये यूएन ने 22.50 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। अब बात हो रही है देखिए यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष एंटोनियो गुटारेस हैं जो कि पुर्तगाल से हैं, और यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस या यूनाइटेड नेशन दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटर हॉकी फेडरेशन जिसे FIH शॉर्ट फॉर्म में FIH का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नरेंद्र बत्रा को। और देखिए, डॉक्टर नरेंद्र बत्रा को ये दूसरी बार इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये हैं डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। बात हो रही देखिए FIH, FIH की फुल फॉर्म इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई थी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और देखिए इसके सीईओ थेरी बेल हैं, और देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष तो यही दोबारा से बन गए हैं नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन किट लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और देखिए, इस होम आइसोलेशन किट में क्या क्या है? मास्क है, सैनिटाइजर है, दवाएं हैं और च्यवनप्राश है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी दो हैं, शिमला ग्रीष्म ऋतु में रहती है और धर्मशाला शीत ऋतु में राजधानी रहती है। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय और है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता था का जीता था, और यूपी यूपी ने 2021 ई पंचायत पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने पीएमएन सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, यह किस राज्य में है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और देखिए, अब देखिए बात हो रही महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब देखिए, पीएमएन की फुल फॉर्म है प्रियदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक, और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं, और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो देखिए, हमने 24 मई के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर का डिस्कशन कर लिया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, से आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।